गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम नियोजन प्लानिंग के बारे में जानेंगे। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्य तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य को निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कार्य में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर भी निर्धारित किया जाता है, जैसे क्या करना है, कहाँ करना है, किस प्रकार करना है, किसके द्वारा करना है, किन साधनों से करना है, किस नियम प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे। नियोजन में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। तो नियोजन जो प्लानिंग है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी नियोजन प्लानिंग हम करते रहते हैं। कभी किसी चीज़ की प्लानिंग, कब हमारी फ्यूचर की प्लानिंग या किसी फंक्शन की प्लानिंग, हम एवरी टाइम कोई ना कोई प्लानिंग करते रहते हैं। तो जो ये प्लानिंग का जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ प्रबंध के लिए प्लानिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। एक व्यवसाय को शुरू करने के लिए, उसका कुशल संचालन के लिए प्लानिंग अपने आप में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अब इसकी परिभाषा में सबसे पहले हम परिभाषा कुंज की परिभाषा लेंगे। वो कह रहे हैं, नियोजन अग्रिम रूप से यह निर्धारित करता है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है तथा इस किसके द्वारा किया जाना है। इसके उपलब्ध विकल्पों में से उद्देश्य, नीतियों, कार्यविधियों, कार्यक्रमों का चयन करना भी सम्मिलित होता है। नेक्स्ट परिभाषा इसमें दी है केंडर ने, उनके अनुसार नियोजन परिणाम प्राप्त करने हेतु भावी कार्यों और पथों का निर्धारण करते हैं और अनिश्चितता का सामना करने की प्रक्रिया है। रॉबिन्स कहते हैं कि नियोजन में संगठन के उद्देश्य या लक्ष्यों का निर्धारित करना, उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संपूर्ण व्यवहार का संपूर्ण व्यूहरचना का निर्माण करना तथा क्रियाओं की एकीकृत और समन्वित करने हेतु व्यापक योजनाओं के अनुक्रम का विकास करना सम्मिलित है। तो जो नियोजन के है, निष्कर्ष निकल के आ रहा है इन सभी परिभाषाओं का, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी का संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियाओं, आवश्यकताओं, संसाधनों, नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों, व्यूहरचना आदि को भी निर्धारित किया जाता है। अब नियोजन में जो है, कई तरह के प्रश्न उठ के सामने आते हैं कि हम नियोजन कैसे करें, क्या किया जाना है, अर्थात हमारा एम क्या है, उद्देश्य क्या है। दूसरा, कोई कार्य क्यों किया जाना है, मतलब क्यों कर रहे हैं हम उसकी प्लानिंग। कोई कार्य किस प्रकार किया जाना है, कोई कार्य किसके द्वारा किया जाना है, कोई कार्य कब किया जाना है, कोई कार्य कहाँ किया जाना है, किसी कार्य को करने हेतु किन साधनों की आवश्यकता होगी। इतने सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाली नियोजन प्रक्रिया का एक बौद्धिक प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के संपन्न करते समय प्रबंध अपने विवेक, अनुभव, दूरदृष्टि एवं विद्वान तथ्यों का उपयोग करता है। हम शॉर्ट में अगर इसको कहें तो नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक संसाधनों एवं क्रियाविधियों को भी निर्धारित किया जाता है। ये थी नियोजन की परिभाषा जो मैंने आज आपको बताई। अब इसकी नेचर ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। नियोजन की विशेषता क्या है, नियोजन की प्रकृति क्या है। सबसे पहले इसमें आएगी प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन। नियोजन प्रबंध का आधारभूत एवं प्राथमिक कार्य है, वह कार्य है जिसमें प्रबंध प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नियोजन के अनुरूप ही संस्था के संगठन करना तैयारी की जाती है ताकि संस्था के कार्य को भली प्रकार कुशलतापूर्वक संपन्न कराया जा सकता है। उद्देश्य और योजनाओं को सफल बनाने के लिए कर्मचारी को अभिप्रेरित किया जाता है तथा नियोजन की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार नियोजन प्रबंध का प्राथमिक और आधारभूत कार्य है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य कह सकते हैं इसको,
जो इनिशियल स्टेज पे जो भी हम शुरू करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग ही शुरू करते हैं, तो ये प्रबंध का एक बेस बनाता है, ये किसी भी काम को करने का ये एक बेस बनाता है, आधारभूत और प्राथमिक कार्य इसलिए कहा जाता है। दूसरा है सर्वव्यापी कार्य। नियोजन संपूर्ण संस्था का सर्वव्यापी है। नियोजन संस्था के प्रत्येक विभाग के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। केवल संस्था के उच्च स्तरों पर ही नियोजन नहीं किया जा सकता, बल्कि नियोजन वहाँ भी किया जाता है जहाँ पर कार्यों का निष्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुली। नियोजन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता, बल्कि वह किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, मतलब उसका जो एम डिसाइड है उसको प्राप्त करने के लिए नियोजन किया जाता है। नियोजन के द्वारा उद्देश्य तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यों, साधनों, कार्यविधियों आदि को निर्धारित किया जाता है। नियोजन का मूल उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों को न्यूनतम लागत एवं प्रयासों का अधिकतम सफलता के साथ पूरा करना तथा संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि करना ही नियोजन का उद्देश्यपूर्ण होता है। परस्पर आश्रित कार्य, इंटरडिपेंड एक्टिविटी। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम क्रिया होने के उपरांत भी यह परस्पर आश्रित क्रिया है। प्रबंध अन्य कार्य को ध्यान में रखकर ही भावी कार्य को नियोजित करता है। दूसरा, एक प्रक्रिया, इट इज प्रोसेस। नियोजन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के प्रबंध वातावरण का विश्लेषण करके भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। दूसरा है सतत प्रक्रिया। नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य यह भी है कि यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती है। यह एक के बाद अनेक कार्यों के लिए की जाती है। जो जो व्यवसाय का विकास होता है त्यों त्यों नियोजन की प्रक्रिया बढ़ती ही चली जाती है। तो एक ये कंटिन्यू प्रोसेस है जो हमेशा ही अपन को करनी पड़ती है, एक तरह से प्लानिंग जो हमेशा ही होती रहती है। बौद्धिक प्रक्रिया, कुंज कहते हैं कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। ये कोई भी मतलब अनुमान या कह सकते हैं कि अपन अनुमान नहीं लगा सकते। नियोजन करने के लिए कई तथ्यों, संस्था के उद्देश्यों, वातावरण के उपलब्ध अवसरों और संकट और खतरों पर विवेकपूर्ण ढंग से विश्लेषण कर निर्णय करना ही पड़ता है। भविष्यमुख, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। भविष्य के बारे में सोचती है कि भविष्य में नियोजन किस तरह से करना है, आने वाली चैलेंजेस को किस तरह से आप उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। पूर्वानुमान नियोजन का आधार, नियोजन में भविष्य में किए जाने वाले कार्य को निर्धारित किया जाता है। दूसरी ओर पूर्वानुमान करके भविष्य में झांका जा सकता है कि भावी अवसरों में चुनौतियों से अधिक अच्छी तरह समझाए जा सकते हैं। समय वृद्ध, टाइम बाउंड होता है कि आप इस टाइम ड्यूरेशन में, एक साल में, दो साल में, या कोई भी जो टाइम आपको दिया है उस प्लानिंग के लिए उसको काम करने के उस टाइम ड्यूरेशन में काम हो जाए। साधनों की प्रतिबद्धता, कार्य पदों के लिए प्रतिबद्धता, नियोजन निर्णय में सम्मिलित, ये सभी इसके फीचर्स के रूप में निकल के सामने आते हैं कि किस तरह से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। एक संस्था को कुशल वातावरण देने के लिए, एक समय पे उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही प्लानिंग में काम करना पड़ता है। और मानव भी, प्रबंधक भी मानव है, वह भी योजना बनाता है, कल्पना करता है, भविष्य के सपने सोचता है और उन्हें पूरा करने के लिए व्यवस्थित क्रियाओं को अपनाता है। तो इसी के माध्यम से अपनी संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करता है, और इसके अभाव में संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना असंभव है। इसलिए प्रबंध के विशेषज्ञ कहते हैं कि नियोजन प्रबंध का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को सबसे पहले स्टार्ट ही करना पड़ेगा, तभी आप अपनी संस्था का कुशलतापूर्वक कार्य करवा सकते हैं, कुशलतापूर्वक उसके लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रबंध नियोजन से ही अपने कार्यों और प्रयासों का श्री गणेश करता है, वह इस कार्य से ही अपने अन्य कार्य की नींव रखता है। अतः नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य नहीं बल्कि आधारभूत कार्य भी है।
इसी कार्य के संपूर्ण प्रबंध की प्रक्रिया गतिमान होती है। तो नियोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।